सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ अपडेट्स को और बेल आइकन को दबाए नई होम रेमेडी देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अमेजिंग रेमेडी शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर बनाने और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है और छोटे छोटे दाग धब्बे, कील मुहासे, पिगमेंटेशन और सनबर्न की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है और आपकी स्किन को फ्लॉलेस और फेयर स्किन देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना कैसे है उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी मक्की का आटा। मक्की का आटा हमारे चेहरे की रंगत को कहीं ज्यादा हद तक गोरा करता है, ग्लोइंग बनाता है और दाग धब्बों को मिटाता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। कॉर्नफ्लोर में होता है विटामिन ई जो चेहरे के मौजूद दाग धब्बे और झाइयों को दूर करता है और साथ के साथ इसमें मौजूद होते हैं मिनरल्स, अमीनो एसिड जो हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं और हमारी स्किन को स्मूथ बनाते हैं। दूसरी चीज हमें लेना है रो मिल्क यानी कच्चा दूध। रो मिल्क हमें इतना ऐड करना है जिससे कि ये थिक पेस्ट बन जाए, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड हमारे चेहरे की दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करते हैं और स्किन को लाइटनिंग व्हाइटनिंग करने में मदद करते हैं और ये हमारी स्किन को ग्लोइंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन को हील करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, कच्चे दूध के बहुत सारे फायदे हैं और कच्चा दूध हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सनबर्न से रिलीफ दिलाता है। कच्चा दूध हमारी स्किन पे मॉइस्चराइजर का काम करता है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए यानी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए एक भी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। गाइस, अगर किसी वजह से आपसे इसमें ज्यादा दूध डल जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, तीसरी चीज हमें यहाँ पे लेना है लेमन। मैंने हाफ लेमन लिया है। लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को क्लींजिंग करता है। और फ्रेंड्स, लेमन के काफी सारे फायदे होते हैं, ये हमारे स्किन पर ब्लीच की तरह काम करता है। मैंने हाफ चम्मच लेमन जूस लिया है, जिनको लेमन सूट नहीं है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले एक, अगर आप में से किसी की शादी होने वाली है या आपके घर में किसी की शादी है या फिर पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई स्पेशल ओकेशन है, तो आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली बार से ही ये इतना कमाल का रिजल्ट देना स्टार्ट करता है और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेमेडी है। पहले अपने फेस को क्लीन कर इसे अपने फेस पर लगाएं। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद और अपने फेस पर बीच बीच में रोज वाटर स्प्रे करें। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तो आप रोज वाटर को स्प्रे कर लें अपने फेस पर, इसको हल्का सा गीला करते रहें और फिर हाथों से रफ कर लें। 15 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लें। आप पहली बार से ही इसकी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे, आप यकीन नहीं मानोगे। जब आप खुद इसको यूज करेंगे तो आपको बिलीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।